ओके सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे एमएक्स टाका टक के बारे में, यानी कि टिकटॉक को जाने के बाद वीगो वीडियो जब बैन हो गया उसके बाद ये एप्लीकेशन आया जो कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो आज पूरी ट्यूटोरियल देखेंगे इसका कि किस तरह से वीडियो को बनाते हैं, शूट करते हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एप्पल स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च करेंगे एमएक्स टाका टक, जो कि एमएक्स प्लेयर, जैसा मुझे लगता है कि एमएक्स का मतलब है कि उनको सर्च में लाने के लिए लाया गया है। अगर एमएक्स टाका टक को देखा जाए तो सिंपल टिकटॉक का हम शकल है भाई, मैं तो बोलूँगा कि सीधे कॉपी करके उठा के डाल दिया है। यहाँ पे रिव्यू भी इसका देख सकते हैं, जितने भी रिव्यू, अच्छे रिव्यू यहाँ पे जो भी है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड के बारे में बात करूँ, यहाँ पे जो रिव्यू है वो 4.3 है जो अच्छा है। डाउनलोड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टिकटॉक का हमशकल है। यहाँ पे ओपन करेंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा सामने। यहाँ पे ऊपर देखिएगा ट्रेंडिंग पेज है, फॉलोइंग है, हमें सर्च बार है, 3 बार है जो कि अलग चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखने का होम मिल जाएगा और बहुत सारे इंटरफेस अगर देखी जाए तो टिकटॉक के जैसा ही इंटरफेस इसका भी है। और यहाँ पे मिल गया आपको एक्सप्लोरर काफ़ी अच्छी फीचर्स है, ये यूट्यूब का है फीचर्स, मतलब यूट्यूब ने अभी थोड़े दिन पहले ही इसको अपडेट करके बनाया है। ट्रेनिंग पेज जिसमें गेमिंग हुई सब कुछ आ जाता है, तो आपको सिंपल यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस एप्लीकेशन पर कौन सा चीज़ वीडियो ट्रेनिंग चल रहा है। यहाँ पर आपको सिंपल ये फिर से वापस आना है, वापस आना, यहाँ पे फॉर मी पे क्लिक कीजिए, आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल पर आप कितने वीडियो अपलोड करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा, आप किस किस को लाइक करते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे हम पसंद करते हैं उसको यहाँ पे क्लिक करके उसके आईडी को सर्च ना करके हम देख सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका एमएक्स टाका टक आईडी, जो आपकी आईडी है, नेम यूजर है, उसके बाद जो भी चीज़ें वो बायो में ऐड करना चाहे तो जो भी आप इंस्टाग्राम आईडी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड नहीं कर सकते, क्यों कि यहाँ पर दिया नहीं है। यहाँ पे आपको ये सिंपल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्हाट्सअप डाउनलोड, और यहाँ पे आपका भाषा, जो भाषा रखना चाहते हैं, जिसे देखना चाहते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। और आप व्हाट्सअप का वीडियो चाहे तो यहाँ पर डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, जो डाउनलोड है वो सेव कर सकते हैं यहाँ पर। ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया फीचर्स है इस एप्लीकेशन में। और इसके बाद बात करूंगा यहाँ पे आपको वीडियो शूट करने का, सिंपल आप शूट कैसे कीजिएगा। तो जो इंटरफेस आपको सामने दिख रहा है वो लगभग मेरे अनुसार से टिकटॉक का ही सेम है। यहाँ पे अलाउ करते जाएंगे, जितने भी इसके चीज़ें हैं वो सारे अलाउ करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड से लेकर जो भी है वो सारी चीज़ों को अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे वो सारी क्वालिटी आपको मिल जाएगा जो कि आपको टिकटॉक में मिलता था। यहाँ पे वो सारे फिल्टर वगैरह हर चीज़ दिया हुआ, यहाँ पे सिंपल एक ब्यूटी देखते हैं जहाँ से हम फिल्टर को ऐड करते हैं अपने वीडियो को शूट करके, यहाँ पे ब्यूटी मिल जाएगा, यहाँ पे फिल्टर मिल जाएगा। तो ब्यूटी में आप जो भी लगाना चाहते हैं, ब्यूटी सेटअप अपना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर फिल्टर में जो भी फिल्टर आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, हालाँकि फिल्टर में भी बहुत सारे कम फिल्टर है इसमें जो टिकटॉक के बराबर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने वॉइस को चेंजेस कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं, कम बेस करना चाहते हैं अपने वीडियो को, वॉइस को, और जो आप वॉइस ओवर है उसको, दोनों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने वीडियो को फास्ट, स्लो, फास्ट कर सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्टर करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छे सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जो ये फास्ट, स्लो और फास्टर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टिकटॉक में भी शायद नहीं था, लगभग लास्ट तक मैं जब तक टिकटॉक यूज़ किया तब तक तो नहीं था। यहाँ पे ट्रेंडिंग पे देखा जाए इसके बारे में, इसके जो भी ट्रेंडिंग वीडियो है उसको देखा जाए तो जो वीडियो कम लाइक वाला है वो भी ट्रेंडिंग में है, जो ज़्यादा लाइक है वो भी ट्रेंडिंग में, यानी कि ये जो भी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाने का काम कर रहा है। ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। एक ही चीज़ में कमी है, वो कमी क्या है कि आप अपने सोशल मीडिया का लिंक नहीं डाल सकते बायो में, ये बहुत बेकार चीज़ है, ये होना चाहिए। यही चीज़ था जो टिकटॉक में था, जिससे अदर सोशल मीडिया पर आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर हो जाते थे, ये बहुत अच्छा था। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।